हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो हम लोग चल रहा था क्वेश्चन 2017 का जेई मैथ्स का सॉल्यूशन चल रहा था ना, उसका मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया, उसे देख सकते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद इस पर सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर से है और ये चैप्टर से ईच ईयर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आप थोड़ा सा बस ये मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ये क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। और 4 नंबर एक अच्छा मतलब रैंकिंग का वेरिएशन होता है 4 नंबर से, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं एक ही क्वेश्चन है ना, तो फिर ये और ये बहुत ही आसान होते हैं। आप बस एक जो भी थ्योरी कंटेंट है वो एक बार पढ़ लीजिएगा तो ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। ओके, तो इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में देखते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू। ये जो इम्प्लाइज का साइन है ना, ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, इसका मतलब नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, ये पूरा और इसका इससे इम्प्लाइज, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? ऑप्शन है ए फॉल्सी, बी ऑप्शन है ए टॉटोलॉजी, इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू एंड इक्विवेलेंट टू पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो जो जो बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी एक देखिए कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से समझाते हैं। जिसे ये कुछ नहीं पता है वो इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन वगैरह आते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसका बनाना पड़ेगा ट्रूथ टेबल। तो ये है इसका ट्रूथ टेबल। तो पी, कोई भी पी इनपुट, पी और क्यू दो इनपुट होता है, पी और क्यू दो इनपुट होता है। तो पी में हम लोग क्या क्या रखेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, मतलब पी और क्यू का ट्रू फॉल्स का जितना भी कंडीशन बन सकता है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे पी ट्रू क्यू भी ट्रू है, पी ट्रू क्यू फॉल्स, पी फॉल्स क्यू ट्रू, पी फॉल्स क्यू भी फॉल्स। तो ये पी और क्यू में, पी और क्यू दोनों इनपुट है, उसके लिए ट्रू फॉल्स का जितना चार कंडीशन होता है वो चारों कंडीशन बना लिए। अब जो जो यहाँ पे चाहिए था वो सबका अलग अलग टेबल बना लिए, अब कैलकुलेट करेंगे। बस ये याद रखना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट में कैसा मतलब इसका आउटपुट होगा, बस एक ही कंडीशन है फॉल्स होने का, मतलब जब पी ट्रू रहेगा ये फॉल्स रहेगा तभी ये फॉल्स होता है और अदर केस में ये ट्रू होगा। मतलब जो पी टू क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू लिखा हुआ है, पी मतलब पहले वाला और क्यू मतलब बाद वाला, तो पहले वाला ट्रू बाद वाला फॉल्स होगा तभी ये फॉल्स होता है। इसका मतलब P implies Q का हम लोग टेबल, ट्रू टेबल बना सकते हैं। तो ये ट्रू ये फॉल्स, तभी ये फॉल्स होगा, अदरवाइज हर केस में ये ट्रू ही रहेगा। अब बनाना है नेगेशन ऑफ P, P का नेगेशन लगा देना है, तो ट्रू का नेगेशन फॉल्स, ये ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। ठीक है, यहाँ तक ये दोनों टेबल बन गया। अब नेगेशन ऑफ P implies Q, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू बनाना है, ये नेगेशन ऑफ पी है ये क्यू है, तो पहले वाला ट्रू बाद वाला फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा। तो पहले वाला ट्रू बाद वाला फॉल्स यहाँ है ना, पहले वाला ट्रू मतलब नेगेशन ऑफ पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तभी ये फॉल्स होगा और अदरवाइज ये बाकी तीनों केस में ट्रू ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग बनाते हैं नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये वाला, ये जो लिखा हुआ है ये हम लोग बना रहे हैं अभी। तो नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू के साथ लेंगे इम्प्लाइज, तो ये वाला जहाँ पे ट्रू होगा और क्यू फॉल्स होगा सिर्फ वहीं पे फॉल्स होगा, है ना, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट का यही कंडीशन होता है, ये ट्रू ये फॉल्स यही केस है तभी ये फॉल्स होगा, अदरवाइज बाकी तीनों केस में ये ट्रू ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करना है,
इसका ये P implies Q का इसके साथ implies लेना है ना, यही यहाँ लिखा हुआ है। तो P implies Q का इसके साथ implies लेना है, तो जहाँ पे ये true होगा ये false होगा, वहीं पे false होगा। तो ये true देखिए, ये true यहाँ है उसका false नहीं है, ये true यहाँ इसका false नहीं है, ये true यहाँ इसका false नहीं है, मतलब इसमें false नहीं होगा। जो false नहीं होगा मतलब सारा का सारा true होगा, और जब सारा का सारा true होता है तो इसको बोलते हैं टॉटोलॉजी। जब सारा सारा फॉल्स होगा तो इसको बोलेंगे फॉलेसी। क्लियर ना? तो ये बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस एक चीज याद रखिए कि ये वाला जिस किसी को नहीं आता है वो इस चीज को नोट कर लीजिए कि P implies Q, इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। P implies Q में P ट्रू होगा, Q फॉल्स होगा, तभी ये फॉल्स बनेगा, बाकी अदर केस में ये ट्रू ही रहेगा। और इस पे हम लोग जितना भी कंडीशन लगा हुआ था सबका टेबल अलग बना लिए, और इससे पता चल गया कि ये कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये सारा ट्रू आ रहा है, ये टॉटोलॉजी है। ठीक है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसे मत छोड़िए। ऑल द बेस्ट।